Hi, welcome to another video of daily DLR practice playlist. First, pause the video and try it on your own and then proceed with the video solution. So the problem says, typing test by XYZ Institute was conducted in a week from Monday to Saturday. The institute offered 3 different tests named test ABC having time duration 20 minutes, 15 minutes and 10 minutes respectively. Each student appeared for only one test out of 3. The institute has 3 examination hall, number 1, 2 and 3. Each hall can accommodate 10 students. The tests were conducted in the 3 halls on 6 days from Monday to Saturday as shown in the table below. The test starts from 10 a.m. The center closes at 3 p.m. every day. As soon as one test examination is over, the next test exam starts after a gap of 5 minutes. All the students are given unique roll numbers starting from 1. When student arrive for the test, they are accommodated in a hall number 2 only if hall 1 is full. Similarly, the student are accommodated in hall 3 only if both hall 1 and 2 are full. Thus, the student are accommodated in the examination hall 1, 2 and 3 in that preference order. So again, scheduling ka standard problem, jahan pe ye keh raha hai ki ek XYZ institute hai, jo ki aapka exam kara raha hai, jo ki Monday se leke Saturday tak karata hai. 3 test karata hai, A, B aur C. A ek aisa test hai, jo ki 20 minute leta hai. B ek aisa test hai, jahan pe usko time एक ऐसा टेस्ट है जहां पे उसको 20 मिनट लगते हैं टेस्ट कंडक्ट कराने में, बी टेस्ट को कराने में उसको 15 मिनट लगते हैं एंड सी कराने में उसको 10 मिनट लगते हैं. यहां पे ये क्या कह रहा है कि भाई 10 बजे सेंटर ओपन हो जाता है और 3 बजे तक सेंटर क्लोज हो जाता है. तो बेसिकली 5 घंटे के लिए वो टेस्ट करा रहा है, यानी कि 300 मिनट वो टेस्ट करा रहा है पूरे दिन में. मतलब 300 मिनट का उसके पास स्लॉट है अवेलेबल शेड्यूलिंग करने के लिए. आगे वो कह रहा है कि जो एकोमोडेशन है वो कैसे होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होंगे. वो इस तरीके से होंगे कि पहले 1 पे भरोगे, 1 अगर भर गया है तो फिर 2 में दोगे, फिर 2 भर गया तो 3 में भरोगे. अब अगर ऐसा है कि 2 से लेके जैसे ही मतलब 1 है, 1 भर गया, तुमने 2 भरा, 2 भर गया या 2 मान लो खाली हो रहा है, तो हो सकता है कि 1 फिर से खाली हो गया हो, तो तुम बच्चों को पहले 1 पे दोगे, 3 पे नहीं दे रहे होगे. सो बेसिकली प्रेफरेंस जो होगी वो जो लोअर नंबर वाला हॉल है उनको होगी. अगर हॉल नंबर 1 खाली है तो हॉल नंबर 1 में लोग बैठेंगे, हॉल नंबर 2 तब भरा जाएगा, फिर 3 तब भरा जाएगा. अब वो कैसे शेड्यूलिंग होने वाला है वो यहां पे तुम्हारे पास अलग-अलग आने वाला है. जैसे थोड़ा एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं. यहां पे क्या देख रहे हो, जो तुम्हारा सेंटर है मतलब मंडे ट्यूसडे सॉरी मंडे और थर्सडे का, जैसे मैं मंडे का एग्जांपल लेता हूं. मंडे को क्या हो रहा है, 10 बजे सेंटर ओपन हो रहा है, 10 बजे से लेके 10:20 तक लोग जा रहे हैं हॉल नंबर 1 में. हॉल नंबर 2 में जा रहे हैं फिर 10 से लेके 10:15 पे, और हॉल नंबर 3 पे जा रहे हैं 10 से लेके 10:10 तक. ऐसा होने वाला है. अब जो अगला टेस्ट का बैच आएगा वो कितने पे आएगा, 5 मिनट के बाद, यानी कि 10:25 पे शुरू होगा जो कि 10:50 तक चलने वाला है. इसके लिए क्या होने वाला है, 10:20 पे शुरू होगा जो कि 10:35 तक चलने वाला है. इसके लिए क्या होने वाला है, 10:15 से शुरू होगा जो कि 10:25 तक चलेगा 5-5 मिनट के गैप के बाद. अब ये एक पार्ट कंपोनेंट हो गया. दूसरा कंपोनेंट है कि तुम एकोमोडेशन कैसे करोगे, जो भी हॉल तुम्हारे पास अवेलेबल है छोटे नंबर वाला हॉल उसको तुम भरते जाओगे. अब इन सब प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको पूरी शेड्यूलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे पीछे वाले प्रॉब्लम में भी तुमने नोटिस करा होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि पूरी शेड्यूलिंग की जरूरत नहीं थी. हमें एक क्वेश्चन का सेंस हो गया था एंड वी वर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द सब क्वेश्चंस. सो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम आल्सो आई विल ट्राई टू सॉल्व विद द सब क्वेश्चन. सो गोइंग फर्दर यू शुड हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग द सब क्वेश्चंस. मतलब मेरे को क्वेश्चन 1 मतलब सेट नंबर 1 में व्हाट आर आस्क, ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा सेट सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े, या आपको बहुत क्विकली 2-3 क्वेश्चंस आपके आंसर्स मिले एंड दोस 2-3 क्वेश्चन आर एक्चुअली हेल्पिंग यू विद ऑल द कंपोनेंट. चलो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर द वन डे. पहले इधर से करते हैं. सो हाउ मेनी स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर द वन डे. अगर पर्टिकुलर डे पे हम बात करें तो एक मैक्सिमम कितने बच्चे अपीयर हो सकते हैं, अगर वो निकालना होगा तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा कि पूरा जो शो है वो हाउसफुल है. हाउसफुल का मतलब
ए भरा हुआ है, बी भी भरा हुआ है, सी भी भरा हुआ है, अपने फुल स्ट्रेंथ पे चल रहा है। अगर फुल स्ट्रेंथ पे चल रहा है तो ए कितने बच्चे अकोमोडेट कर पाएगा, कितने बैचेस, ए जो है ए कितने बैचेस का टाइम लेता है, 20 प्लस 5 लगता है उसको, मतलब 20 टेस्ट कराने में 5 मिनट उसको एडिशनल चाहिए अपना कूलिंग पीरियड यानी कि शिफ्ट को चेंज करने के लिए। सिमिलरली बी को कितना चाहिए, 15 प्लस 5, सी को कितना चाहिए, 10 प्लस 5, ठीक है, ये इतना टाइम चाहिए इनको किसी एक पर्टिकुलर बैच को टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए। टोटल कितने थे तुम्हारे पास, 300 मिनट, यानी कि एक कितने बैच को सर्व कर पाएगा, 300 बाई 25 कर लो, 300 को 25 से डिवाइड कर लो, कितना आया, 12। हर बैच में कितने बच्चे बैठते थे, 10 बच्चे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि एक पर्टिकुलर हॉल में 10 बच्चे तुम्हारे बैठ सकते हैं, तो भाई तुम्हारे पास एक बैच मतलब यहाँ पे ए के 12 बैचेस निकले, 12 बैचेस इंटू 10 स्टूडेंट, तो यहाँ पे 120 मिल गया। सिमिलरली बी का 20 मिनट्स है, सो 300 डिवाइडेड बाई 20 कितना बना, 15 बैचेस, 15 इंटू 10 विच इज 150, ठीक। सी का कितना बना, 15 मिनट, 300 को 15 से डिवाइड करो, कितने बैचेस कैटर करेगा वो, 20 बैचेस, हर बैच में 10 बच्चे, कितना आया, 200। इसमें इनका सम कर लो कितना आया, 200 प्लस 150 कितना हुआ, 350, 350 प्लस 120 कितना आया, 1470। सो द करेक्ट आंसर इज 470, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा हुआ है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स इन अ डे नो टेस्ट इज गोइंग ऑन इन एनी ऑफ द 3 हॉल्स, ऐसा कितनी बार होने वाला है, कितने मिनट के लिए होने वाला है कि तीनों हॉल खाली है, ठीक है। तीनों हॉल खाली होने का मतलब कि भाई तीनों ऐसे टाइम स्लॉट पे खाली हो रहे हैं जहां पे मतलब तीनों ऐसा टाइम स्लॉट जहां पे तीनों हॉल खाली मिल रहे हैं वो हमें निकालना है। बेसिकली क्या करना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा तीनों का एलसीएम, मतलब ये कितना टाइम लेता है, ये कितना टाइम लेता है, ये कितना टाइम लेता है, तो इससे अपने को पता क्या चलेगा कि ये लोग जो एक साथ टेस्ट शुरू कराएंगे वो कितने टाइम के बाद करा पाएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 25 मिनट, 20 मिनट और 15 मिनट, इसका एलसीएम कितना आएगा, 5, 5, 4 और 3। सो बेसिकली दी एलसीएम वुड बी शुड बी 300। अब मेरे को यहां पे क्या पता चला, ये लोग 10 बजे के बाद 300 मिनट के बाद ये लोग फिर से एक साथ टेस्ट शुरू करेंगे। अगर 300 मिनट के बाद यानी कि 3 बजे ये लोग को टेस्ट शुरू करना था 3 बजे, तो यार सेंटर ही बंद हो जाता है, तो मतलब अब तो ये नया टेस्ट शुरू नहीं कर पाएंगे। मेरे से पूछा क्या कितने टाइम खाली थे, तो तुम ये समझ पा रहे हो कि 295 मिनट के बाद ऐसा होगा कि तीनों के बैचेस खत्म हो गए होंगे, लास्ट का 5 मिनट तीनों खाली बैठे होंगे, समझ पा रहे हो ना, बिकॉज 300 मिनट के बाद इनको नया शुरू करना है। अगर ये 3 बजे के बाद अगर टाइम स्लॉट होता है तो वो 3 बजे से लेके फिर वो अपना बैच शुरू कर रहे होते, तो इससे हम ये भी डिड्यूस कर पा रहे हैं कि लास्ट के 5 मिनट जो हैं, जो ये वाले 5 मिनट हैं, वो तीनों के कॉमन है। तो ये तीनों कितने टाइम के लिए एक साथ खाली हो सकते हैं, वो है आंसर दिस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 मिनट के लिए तीनों हॉल एक बार खाली हो सकते हैं। पूरे दिन में एक ही बार ऐसा आएगा इवेंट जो कि 5 मिनट के लिए तीनों खाली रहेंगे, जो कि 2:55 से लेकर 3 PM का टाइम रहने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, व्हाट वर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु वर टेकिंग द टेस्ट एग्जैक्टली एट 10:57। अच्छा, 10:57 फ्राइडे को कौन टेस्ट लिख रहा है, मतलब क्या बैंड होना चाहिए, ऐसे कितने रोल नंबर क्या होना चाहिए। अब थोड़ा यहां पे नंबर क्रंचिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आओ ट्राई करते हैं। मेरे को क्या पता है फ्राइडे यानी कि हर दिन कितने बच्चे लिख रहे थे, 470, यानी फ्राइडे तक मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे यानी कि 4 दिन हो चुके हैं, यानी कि ये बच्चे लिख चुके हैं, बिकॉज उसमें साफ साफ लिखा था पीछे कि रोल नंबर जो है रोल नंबर 1 से शुरू होगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे वैसे वैसे रोल नंबर का काउंट बढ़ता जाएगा। सो यहां पे कितना आया, 08, यानी कि जब थर्सडे का डे एंड हुआ तो ये वाला रोल नंबर का बच्चा टेस्ट दे के जा चुका है, यानी कि जो डे फ्राइडे मॉर्निंग शुरू होगा वो 1881 से शुरू होना चाहिए, ठीक। अब ऐसा होने वाला है कि सी जो है क्या करेगा, 10 बजे से लेके 10:10 तक देगा, 10:15 से लेके 10:25 तक देगा, बेसिकली 5 मिनट का गैप, ठीक। 10:30 से लेके 10:40 तक, 10:45 से लेके 10:55 तक, ठीक।
ये मेरे निकल गए सी के पॉसिबल बैचेस। सी कितने करेगा, 1, 2, 3, 4। सी जो है 4 बैचेस करने वाला है। मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली 10:50 या 10:55 तक कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को पता चल जाए कि कौन से बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, बिकॉज बैक टू बैक आ रहा है। ठीक है, अच्छा, मतलब जब दिन शुरू होगा तो 10 बजे तुम एक बैच सी को दोगे, एक ए को दोगे, एक बी को दे रहे होगे, फिर जो नेक्स्ट बैच है वो अगेन सी को ही मिल रहा होगा, बिकॉज 10-15 पे ये क्लासरूम नंबर 1 लेके बैठा हुआ है या हॉल नंबर लेके 1 लेके बैठा हुआ है। इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक, अच्छा बी का निकालते हैं, सॉरी ए का निकालते हैं, बिकॉज वो हॉल नंबर 2 लेके बैठा हुआ है। ए का क्या आएगा, वो 10 बजे शुरू करेगा, वो कब तक जाएगा, 10:20 तक, वो 10:25 से लेके 10:40 तक, सॉरी 10:45 तक, थर्ड स्लॉट क्या होगा उसका 10:50 से लेके एंड सो ऑन, यानी अगले 10:11:10 तक। ठीक, अब अगले 11:10 में इसका नया स्लॉट आने वाला है। ऐसे ही बी का निकाल लें, एक बारी हॉल नंबर 3 के लिए बी जा रहा होगा, बी का क्या हुआ होगा, 10 बजे आया, 10:15 तक उसने टेस्ट कंडक्ट कराया। ठीक, फिर 10:20 से उसने शुरू किया जो कि 10:35 तक कंडक्ट कराया, फिर उसने क्या करा, 10:40 से शुरू किया जो कि 10:55 तक कंडक्ट कराया। ठीक है, अब 10:55 पे ऐसा होगा कि अगले 5 मिनट के लिए बी के लिए एग्जामिनेशन हॉल खाली है, यानी हॉल नंबर 3 तो खाली रहने वाला है। ठीक है, वो मतलब बेसिकली कूलिंग पीरियड चल रहा है उनका। चलो अब आते हैं, हमसे पूछा गया था कि भाई 10:57 पे, यानी कि ऐसा टाइम जहाँ पे कौन कंडक्ट करा रहा है, यही कंडक्ट करा रहा है, बाकी देखो 10:57 पे तो ना यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं ना यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, तो ऐसा हुआ होगा कि कितने बैचेस इसने लगाए होंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि 40 स्टूडेंट। ठीक, इसने कितने बैचेस लगा चुके होंगे, 1, 2, यानी कि 20 स्टूडेंट। ये कितने बैच लगा चुका होगा 10:57 तक, 1, 2, 3, यानी कि 30 स्टूडेंट, यानी कितना हो गया तुम्हारा, 30+20 50, 50+40 90, यानी 1881 पे 90 ऐड कर लो, कितना आया, 1971 का ये वाला तुम्हारा बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, स्केड्यूलिंग में हमने बस जिस तरीके से उसने समझाया था कि 10-10 मिनट का गैप देना है, सॉरी 5-5 मिनट का गैप देना, उस तरीके से हमने स्केड्यूल्स लिख दिए। अब यू में से कि सर आपने बैच एलोकेशन हॉल एलोकेशन तो ऑर्डर वाइज करी नहीं, करके चेक कर लो, मतलब ऐसा होगा कि पहला बैच इसको मिला होगा, दूसरा बैच इसको मिला होगा, तीसरा बैच इसको मिला होगा। ठीक, यानी कि 30 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ तक आ गए। फोर्थ बैच कहाँ पे आएगा, फोर्थ बैच इसके पास आएगा 10:15 पे। फिफ्थ बैच किसके पास आएगा, फिफ्थ बैच आएगा 10:25 के बाद, 10:30 है और इसके पास आएगा फिफ्थ बैच, सॉरी 10:20 पे फिफ्थ बैच आएगा, सिक्स्थ बैच इसके पास आएगा, सेवन्थ बैच इसके पास आएगा। इस तरीके से यू कैन काउंट ऑन दी बैचेस, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, मैं इनकी स्केड्यूलिंग की जगह इनके टाइम का स्लॉट निकाल दूँ एंड मेरे को सामने आंसर्स दिखाई दे रहे, तो मैं क्यों इतना परेशान हो जाऊँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एट वॉट टाइम स्टूडेंट विद रोल नंबर 501 एंड 510 वर गिविंग दी टेस्ट। ठीक है, अच्छा सिमिलर प्रॉब्लम, अच्छा 501 से 510, यानी ऐसा होगा कि 470 वाले का अगला दिन, विच इज लाइक ट्यूजडे, हमने देखो ट्यूजडे का अभी भी स्लॉट निकाला है, बेसिकली फ्राइडे का मैंने निकाला था तो ट्यूजडे का भी वही होने वाला है। अब ऐसा है कि भाई तुम्हारे पास मंडे को तुमने 470 बच्चों को टेस्ट दिला दिया है, तुमसे पूछा कि 501 वाला बच्चा वो कितने बजे बैठेगा। ठीक, चलो ट्राई करते हैं। सो बेसिकली 470 से लेके, मतलब 471 से लेके 481 तक का बच्चा क्लासरूम नंबर, ये टेस्ट नंबर सी देगा। ठीक, बिकॉज ये हॉल वन पे आ गया, 481 से लेके 491 वाला बच्चा ए दे रहा होगा जो कि हॉल नंबर 2 में, अगेन 10-10 का लॉट, 491 वाला से लेके 501 वाला बच्चा कहाँ पे दे रहा होगा, बी दे रहा होगा जो कि हॉल नंबर 3 पे दे रहा होगा। ठीक, मतलब पहले 10 मिनट,
दूसरे मतलब 10 बजे आते ही इनको ये एलोकेट कर दिया, मतलब तुमने 10 बजे जब हॉल टेस्ट शुरू करा तो 1 10 का बैच इनको दे दिया, 1 10 का बैच इनको दे दिया, अब 1 10 का बैच इनको दे दिया, यानी 501 वाला जो बैच है वो किसके पास जाएगा, ऐसे हॉल में जाएगा जो अभी सबसे पहले फ्री होने वाला है, वो कौन सा होगा, वो सी ही होगा, बिकॉज सी का टेस्ट 10 मिनट का होता है और 10:15 बजे वो खाली हो जाएगा, मतलब 10:10 पे वो खाली होके वो 10:15 बजे टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। और कोई हॉल अपने को मिलेगा क्या? नहीं, बिकॉज ये वाला हॉल 10:20 पे खाली होगा, ये हॉल 10:15 पे खाली होगा, तो 10:15 पे अगर ये खाली होता है तो अपने पास हॉल 1 तो पहले तैयार है ना। तो हमको क्वेश्चन के पहले शुरुआत में बताया कि छोटे नंबर वाले हॉल को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे ओवर दी बड़े नंबर वाला हॉल, तो हॉल 1 को एकोमोडेट करेंगे तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे, 10:15 से लेके 10:25 तक का, ठीक है। सो स्केड्यूलिंग के प्रॉब्लम्स हम एक दो और करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व कपल ऑफ मोर प्रॉब्लम्स एंड वी विल ऑल्सो टेक सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर कैट 2017-2018 के दो एक अलग अलग प्रॉब्लम है स्केड्यूलिंग के, वी विल टेक दैट इन दी अपकमिंग वीडियोज, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।